नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में स्वतंत्रता दिवस पर मेट्रो यात्रियों ने की रिकॉर्ड राइडरशिप, मेट्रो से कुल 85,000 यात्रियों ने किया सफर। कामठी के विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर द्वारा तिरंगा मार्च का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने लिया भाग। एनटीपीसी मौदा में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस, कुल 18 इमारतों में एक साथ किया गया ध्वजारोहण। अब खबरें विस्तार से। नागपुर मेट्रो के तहत सवारियों की संख्या में लगातार वृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई है और 15 अगस्त को मेट्रो के सवारियों की संख्या 85,000 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। ये यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए महामेट्रो के अथक प्रयासों का परिणाम है। इसके पहले 26 जून 2022 को मेट्रो अपने उच्चतम 65,000 सवारियों की संख्या पर पहुंच गई थी। अभूतपूर्व दूरी पर पहुंच चुकी महामेट्रो ने 15 अगस्त को सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये दूरी नागपुर की जनता के सहयोग से पूरी हुई है। इसके पीछे कई दिनों से मेट्रो कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत है। नागपुर के लोगों को सबसे अच्छी सेवा मिले और इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए महामेट्रो ने लगातार कई उपाय किए हैं। महामेट्रो स्टेशन को लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत फीडर सेवाएं प्रदान करती है। इसके तहत यात्रियों को साइकिल, ई साइकिल, ई स्कूटर, ई रिक्शा जैसे विकल्प दिए जाते हैं। इन सुविधाओं से न केवल सभी यात्रियों बल्कि मिहान क्षेत्र में काम करने वाले और हिंगना क्षेत्र के शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ हुआ। महामेट्रो ने हमेशा यात्रियों की मांग को गंभीरता से लिया है, इसलिए यात्रियों की जरूरत के हिसाब से महामेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया गया। फिलहाल मेट्रो की ऑरेंज और एक्वा दोनों लाइनों पर सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है। खासकर रविवार जैसे अवकाश के दिनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मेट्रो ट्रेनों के समय में भी उसी के अनुसार बदलाव किया गया। डिजिटल भुगतान के लिए समय की आवश्यकता को समझते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मदद से महामेट्रो ने अपने यात्रियों को महाकार्ड उपलब्ध कराया है। महाकार्ड की सुविधा से यात्रियों के लिए मेट्रो से यात्रा करना आसान हो गया है। इस कार्ड के साथ ही महामेट्रो ने यात्रियों को मोबाइल ऐप की सुविधा भी प्रदान की। इसने मेट्रो से यात्रा करना भी आसान कर दिया, क्योंकि महाकार्ड और मोबाइल ऐप ने टिकट के लिए कतारों में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और इस तरह मेट्रो से यात्रा करना अधिक आरामदायक हो गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए महामेट्रो ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, फ्रीडम फाइटर मेट्रो राइड, हर घर तिरंगा विश वॉल कैंपेन, मेट्रो स्टेशन पर बैंड परफॉर्मेंस, देशभक्ति गीतों का आयोजन, सेल्फी पॉइंट शामिल था। नागपुर के नागरिकों को यात्रा की उचित सुविधा मिले, इसके लिए महामेट्रो लगातार प्रयास कर रही है। यात्रियों की संख्या के मामले में आज मेट्रो एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गई है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी। गोंदिया में 7 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से जिले के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अनेक गांव के समीप नदी नालों में बाढ़ आ गई है और सैकड़ों घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान हो रहा है। जिलाधीश, SDO, पुलिस अधीक्षक ने नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। को सुबह 9 बजे विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर ड्रैगन पैलेस मंदिर से तिरंगा मार्च शुरू किया गया था। विशेष रूप से एडवोकेट सुलेखा कुमरे की मातोश्री नलिनी कुमरे ने तिरंगा झंडा दिखाकर इस तिरंगे मार्च का उद्घाटन किया। इस मार्च का नेतृत्व ड्रैगन पैलेस मंदिर के प्रमुख और ओगावा सोसाइटी के अध्यक्ष ने किया। सुलेखा ताई कुमरे ने प्रदर्शन किया और फिर ड्रैगन पैलेस मंदिर में एक विशेष बुद्ध वंदना की गई। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। 75 मीटर लंबा तिरंगा झंडा महिलाओं द्वारा दादा साहब कुंभारे बहुउद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया था। इस तिरंगे झंडे के दोनों ओर से छात्र, सामाजिक संगठन, ओगावा सोसाइटी के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में शैक्षिक संगठनों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इस मार्च में हिस्सा लिया। तिरंगा मार्च ड्रैगन पैलेस मंदिर से शुरू होकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक एवं अनुसंधान केंद्र पहुंचकर समाप्त हुआ। समापन समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवतियों ने उत्साहवर्धन किया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान के साथ तिरंगा मार्च सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम को यशस्वी बनाने हेतु अजय कदम, रेखा भावे, वंदना भगत, राजेश शंभरकर, सुनील वानखेड़े, सुशील तायड़े, सचिन नेवारे, महेंद्र मेंढे, चंदू कापसे, भीमराव आड़े, नरेश बावनकुड़े, अशफाक कुरेशी, वैशाली अढ़ाऊ, निशा कापसे, संध्या मानकर व इनके अन्य सहकारियों ने अथक परिश्रम किए। आपण संपूर्ण देशामध्ये 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आजादीचा स्वतंत्र महोत्सव आपण अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत। त्यानिमित्ताने मी सर्व देशवासियांना खूप खूप अभिनंदन करते आहे, शुभेच्छा देत आहे। आणि विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलमध्ये एक तिरंगमय वातावरण तयार झालेलं आहे। आज जो या ठिकाणी भेट देत आहे त्याच्या हातामध्ये तिरंगा दिसत आहे, त्यामुळे हे वातावरण फक्त विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलमध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये घरोघरी जे तिरंगा लावण्याची एक मोहीम सुरू झालेली आहे, त्यामुळे संपूर्ण देश हे तिरंगामय झाले असं मला वाटतं। या महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिकांनी हा संकल्प केला पाहिजे की भारत देश महान है, इसको दुनिया के नजर में कैसे और ऊंचा बनाया जाए, अशा पद्धति से अपना देश तैयार करने त्याच्यामध्ये अपना योगदान देने हा संकल्प या निमित्ताने करना पाहिजे। कारण संपूर्ण जगामध्ये तोडणे असं भारताचं हा संविधान आहे जो बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे। तर या संविधानाच्या माध्यमातून या देशामध्ये समानतेचा अधिकार आहे, मग तो गरीब असेल श्रीमंत असेल, सर्वांना एकसारखा जो अधिकार दिलेला आहे तो जगामध्ये कुठेच नाही आहे। त्यामुळे हा महोत्सव साजरा करत असताना आपण जगामध्ये आपलं स्थान कसं तयार होईल भारताचं हा संकल्प या निमित्ताने केला पाहिजे, अशीच मी या ठिकाणी सर्वांना आवाहन करते आहे। आणि परत या ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या माध्यमातून आम्ही एक फार मोठा VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के अवसर पर पश्चिम नागपुर पवार समाज बहुउद्देश्य संगठन नागपुर द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह 11:30 बजे गणराज सेलिब्रेशन हॉल जयताला से गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ रैली शुरू हुई और अंबाझरी झील के पास स्वामी विवेकानंद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। रैली का समापन शरण महल रेस्टोरेंट सुभाष नगर में हुआ। समापन समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि मनोज चव्हाण ने सभी को अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि श्री मनोज चव्हाण ने समाज निर्माण के लिए उचित शिक्षा और व्यवसाय की विस्तृत जानकारी दी। श्री श्रवण फरकाड़े ने इस रैली के आयोजन के लिए संस्था का धन्यवाद किया और समाज कार्य में संस्था के अमूल्य योगदान की सराहना की। अध्यक्ष श्री कौशिक चौधरी ने समाज कार्य के साथ साथ देश की सेवा में सदैव अग्रणी रहने का आह्वान किया और उन्होंने रैली का उद्देश्य बताते हुए सुझाव दिया कि सामाजिक संगठनों को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। समापन कार्यक्रम का संचालन श्री जियालाल शरणागत ने किया और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश बिसेन ने किया। रैली में मौजूद सर्वश्री SM पारधी, प्रीतम पटले, रमेश बिसेन, राजू भाव शेंडे, नोकलाल पारधी, रमेश येडे, टेकचंद कात्रे, सुनील पाटले, दिगंबर कात्रे, दिलीप हनवत, उमेश भगत, स्वप्निल पटले, परमानंद बोपचे, चन्नी भाऊ पारधी, राणे जी, दुलील चंद पटले और कार्यकारिणी सदस्य और समुदाय के कई सदस्य उपस्थित थे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। NTPC मोदा में 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस तिरंगे को फहरा कर मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत NTPC आवासीय परिसर और संयंत्र में स्थित कुल 18 बिल्डिंग्स में ध्वजारोहण किया गया। AK मनोहर परियोजना प्रमुख ने छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में तिरंगा फहराया और सभी को संबोधित करते हुए NTPC के सालाना उपलब्धियों से अवगत कराया और कहा कि NTPC मोदा एक परिवार की तरह है जो टीम वर्क से ऊंचाइयां छुएगा। इस अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागपुर डिस्ट्रिक्ट गार्ड बोर्ड की टुकड़ियों का श्री मनोहर ने निरीक्षण किया। भवंस NTPC विद्या मंदिर स्कूल और बाल भवन के बच्चों द्वारा देश के प्रसिद्ध फोक डांस और देश के वीर शहीदों और फौजियों को एक नृत्य नाटिका के माध्यम से याद किया और उन्हें सम्मान दिया गया। सिनर्जी क्लब द्वारा बच्चों का एक टाइकांडो और आत्मरक्षा डिस्प्ले भी दिखाया गया। इस समारोह में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही NTPC के उत्कृष्ट कर्मचारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के श्रेष्ठ जवानों को भी पुरस्कार दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत NTPC मोदा ने कई कार्य किए, जैसे हर घर तिरंगा अभियान में आसपास के गांवों में 5,500 झंडों का वितरण, ऊर्जा महोत्सव का महावितरण कंपनी के साथ सफलतापूर्वक आयोजन, निगम सामाजिक दायित्व नीतियों द्वारा गाँव वासियों के हित में काम करना। इस कड़ी में गाँव वासियों द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान को बहुत सराहा गया, जिसमें प्राथमिक शाला की 53 बालिकाओं ने NTPC मोदा में एक माह के आवासीय कैंप में भाग लिया था। कार्यक्रम में मंगेश काले महाप्रबंधक, प्रवीण पांडे महाप्रबंधक, AK बारी महाप्रबंधक, BSV भास्कर महाप्रबंधक, AV शांति मनोहर अध्यक्षा, समृद्धि महिला समिति, मानव संसाधन प्रमुख भवंस विद्या मंदिर प्रधानाचार्य, DCCISF, अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, उनके परिवार और बच्चे उपस्थित थे। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। स्थानीय जिला न्यायालय गोंदिया में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव पर मुख्य न्यायाधीश VB पाटकर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कानून विषयक जन जागृति, देशभक्ति गीत, कविता प्रस्तुति की गयी। ध्वजारोहण के अमृत महोत्सव में AM खान, जिला न्यायाधीश ND खोसे, न्यायाधीश NB लवटे, न्यायाधीश RS कानड़े, न्यायाधीश SV कुलकर्णी, मुख्य न्याय दंडाधिकारी SR मोकाशी, सभी न्यायाधीश तथा वकील संघ आदि तथा प्रबंधक RG बोरीकर, PP पांडे, WH राहिले, KB कावड़े ठाकरे आदि कर्मचारी वर्ग प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने 75वां अमृत महोत्सव में अपने संबोधित उद्गार व्यक्त किए। आणि अतिशय चांगल्या वातावरणात पार पडलेला आहे उत्साहाने, आणि त्या कार्यक्रम झाल्यानंतर ध्वजारोहणाचा प्रत्येकाने आपलं कवितेतून भाषणातून मनोगत व्यक्त केलेला आहे। आणि हा असा हा आज रोजी आपण चांगल्या प्रकारे 75वा दिवस एकत्रित येऊ आणि वेळेवर मनातील 75 दिनानिमित्त ज्या भावना व्यक्त झाल्या त्यातून हा जो कार्यक्रम झाला भाषणाचा कवितांचा त्यांनी सर्वांनी आस्वाद घेतला। आणि माझ्या मते खरोखरच 75 दिनाचा जे कार्यक्रम विद्युत झाले त्यापैकी हा शेवटचा कार्यक्रम अतिशय आनंदात आणि उत्साहाने प्रेमाने सर्वांनी
पार पाडला, उपस्थित राहिले त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आपल्या या सर्वांच्या उपस्थितीमुळे आणि आपल्या सर्वांच्या उत्साहामुळे हा कार्यक्रम अत्यंत सुंदरपणे पार पडलेला आहे. त्यामध्ये पावसाचा इतका चांगला पाऊस पडत असताना सुद्धा आपण अत्यंत तजेर मनाने या ठिकाणी हजर झालात आणि याचा उत्साह वाढवला, त्याबद्दल सर्वांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. सर्वांचे अत्यंत आभार मानतो. व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होते हैं. आजादी की यह प्राप्ति हमने नहीं भूलनी चाहिए कि कितने वीर रणनायकों के बलिदान का यह फल है जो हम आज देख रहे हैं. मन के अंदर उत्साह और खुशी ये दोनों जिंदगी भर निरंतर बनी रहे. मैं स्टाफ के उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इस 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं. उनका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे. और वे सारे लोग जो इस न्याय व्यवस्था के साथ में इसके सुचारू संचालन के अंदर जुड़े हुए हैं और जो यह प्रयास करते हैं कि सामाजिक न्याय की जो बात संविधान में की गई थी वो आज भी जिंदा है. जिंदा सिर्फ इसी कारण से है कि लोगों का न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. न्याय व्यवस्था का यह बहुत बड़ा दायित्व आम व्यक्ति के प्रति उसकी आस्था इस बात को बताती है कि आज भी देश के अंदर कानून का राज है. यदि कानून का राज ना हो तो जिस अराजकता को हम महसूस भी नहीं कर सकते. श्रीलंका में जो हुआ या बाकी राष्ट्रों के अंदर जो कुछ होता है क्योंकि कानून के रास्ते को छोड़ के अराजकता का रास्ता जिस समय अपना लिया जाएगा हम श्रेष्ठ समाज की स्थापना की कल्पना भी नहीं कर सकते. वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के हाथों गोंदिया शहर में विविध स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ. पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के हाथों जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मुख्यालय, शीतला माता चौक, सिविल लाइंस, सावरा टोली, सूरज चौक, बजरंग नगर, गौरी नगर, श्रीमती आनंद देवी, गोपीलाल अग्रवाल प्राथमिक शाला फुलचूर, रेलवे वार्ड, जमनालाल बजाज प्रतिमा चौक, झेंडा चौक, न्यू लक्ष्मी नगर, फणीन्द्रनाथ चौक, NMD कॉलेज के सामने, टीबी टोली पेट्रोल पंप के पास, राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन, रेल टोली में ध्वजारोहण किया गया है. इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने 75वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस पर समस्त नागरिकों को बधाई दी. ध्वजारोहण कार्यक्रम में बहुसंख्या में गणमान्य नागरिक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.